अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। जी हां, कोहिनूर न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म जहां से मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है और हम मिलकर जो है वो एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। और कोशिश भी यही होती है कि हम सियासी मामलात की जहां बात करते हैं वहीं पे हम तमाम महकमा जात की भी बात करें, जहां पे कोई बेज़ाबतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने के हवाले से भी जो है वो आवाज़ बुलंद की जाए। तो अभी सबसे पहला जो हमारा एक हिस्सा होता है वो सियासी सूरत हाल के हवाले से होता है। और इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है आप तमाम लोग जानते हैं, हमें जो है वो गाहे बगाहे मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और मैं भी अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके साथ इसमें जो है वो बताती रहती हूँ। इन प्रोसेसली तो पाकिस्तान में सियासी पार्टियों के हवाले से एक दूसरे से मुलाकातें चल रही हैं, सियासी सूरत हाल पर नज़र रखा जा रहा है। लेकिन अगर हम मैं ये कहूँ कि सूरत हाल आगे जाकर इलेक्शन की तरफ जाएगी तो अभी तक ये हतमी तौर पर कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों ने तो और ज़राए से भी जो है वो ये मालूम होता है कि आने वाले वक्त में बस ये जो करंट हुकूमत है कुछ वो दिनों की मेहमान रह गई है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन करा लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा जो है वो अपोजिशन की तरफ से भी सामने आता है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो हमेशा ये कहते नज़र आए हैं और अभी भी वो ये कहते हैं कि मैं एहतजाज की कॉल दूंगा और मेरे कारकुन जो है वो तैयार रहें क्योंकि हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अब मुल्की सूरत हाल ये है जनाब के पेट्रोल महंगा तरीन किया जा रहा है, महंगा होता जा रहा है क्योंकि शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा और इसमें 35 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। अब 35 रुपये का जुलाई में फिर इजाफा कर दिया जाएगा, पेट्रोल की कीमत 300 से अगर ऊपर चली जाती है तो सूरत हाल जो है वो मुल्क में क्या हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मुल्क को डबोना नहीं चाहते हैं इसलिए हम जो है वो बिजली पर सब्सिडी 1100 अरब रुपये की जो है वो मुल्क को ले डूबेगी, ऐसा कहना मुफ्ता इस्माइल साहब का है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब जो है इस वक्त क्योंकि जाहिर है कि खजाने की कुर्सी पर बैठे हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त में जितना वक्त पास है उतनी वक्त में जो है वो अवाम पर जितना बोझ डाला जाए उतना ही कम है, तो ये सूरत हाल जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि ये हुकूमत फैसला कर चुकी है और ये बहुत सख्त फैसले ले चुकी है अवाम के लिए कि इस वक्त में जो है वो बिजली का यूनिट 40 रुपये फी यूनिट पर जो है वो आपको बिजली प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही जो है वो पेट्रोल भी महंगा हो जाए। तो अगर पेट्रोल भी जो है वो बढ़ जाता है, बिजली भी बढ़ जाती है और बढ़ चुकी है, इस वक्त में अवाम की कमर टूट चुकी है तो आने वाले वक्त में जो है वो क्या सूरत हाल होगी ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। लेकिन हम बड़ी दलेर कौम हैं, हम बड़े दलेर लोग हैं कि हम पर चाहे 300 का पेट्रोल बम गिरा दिया जाए या हम पे 400 फी यूनिट की जो है वो बिजली गिरा दी जाए, ना तो हमें जो है वो करंट लगने से कुछ होता है और ना ही पेट्रोल का बम गिरने से जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम फील होती है। हम बस एक दूसरे से शिकायतें करते नजर आते हैं और फिर वही कि हम जो है वो बातें करते हैं कि सियासी पार्टी ने ये कर दिया और सियासी पार्टी ने ये कर दिया, हो बड़े मजबूर है जी क्योंकि इन्होंने जो है वो जाहिर है कि अवाम से ही पैसा सारा इकट्ठा करना है। लेकिन मैं ये सोचती हूं कि जब अवाम के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो अवाम किस चीज का वेट कर रही है कि जब बिल्कुल खजाना अवाम के घरों का भी खाली हो जाएगा और इतनी तनख्वाहें नहीं होंगी कि यह सूरत हाल से निपटा जा सके तो फिर क्या मुल्क जो है वो श्रीलंका नहीं बनेगा या मुल्क में जो है वो सूरत हाल नहीं होगी? क्या यह सब चीजों की प्राइस बढ़ा देने से मुल्क स्टेबल हो जाएगा और जो अवाम है जिस पर इतना बोझ पड़ चुका है, जो एक गरीब आदमी है, जो रेडी बांध है या जिसकी रोजाना की कमाई जो है वो 200-500 रुपए है, वो कहां से अपने बच्चे को खर्चा या खाना खिलाएगा कि अब खाना ही जो है वो एक हंडिया ही घर की या एक सब्जी जो है वो 1000 रुपए में आती है, तो ये 1000 रुपए जो है वो रोजाना के लोग कहां से कमाएंगे और कैसे जो है वो ये सारी चीजें चलेंगी? पेट्रोल बढ़ चुका है, बिजली बढ़ चुकी है, मजीद बढ़ेगी, वो ये कहते हैं जी मजीद बढ़ेगी, हमने सख्त फैसले ले लिए हैं। सख्त फैसले किसके लिए लिए हैं? अवाम के लिए लिए हैं सख्त फैसले, वो कहते हैं मुल्क के लिए लिए गए हैं। और मुल्क के लिए अगर अभी भी इन सख्त फैसलों पे अवाम का रद्द अमल नहीं आता तो हम ये समझते हैं कि शायद फिर अवाम जो है वो ये सब चीज़ों का बोझ बर्दाश्त कर सकती है। मैं हमारी अवाम बड़ी प्यारी अवाम है, बड़े सादा लोग हैं हम सब, ना बड़ा प्यार करते हैं अपनी सियासी पार्टियों से, जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजली बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, बस हम चीखें मारते हैं, ऊँची आवाज़ से बोलते हैं और चले जाते हैं क्योंकि हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, हमारे पास इतना पैसा मौजूद है कि हम ये सारा बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें क्या करना है हम नहीं सोचते। सियासी पार्टियों की बैठक होती हैं, वो अपने मुफाद के लिए सोचते हैं, वो अपने मुफाद के लिए फैसले करते हैं और अवाम कभी इकट्ठा होकर अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी प्यारी सियासी पार्टियों के मुफाद के लिए जो है वो सोचती है, बात करती है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम के पास जब तक एक एक रुपया खत्म नहीं हो जाता तब तक फील नहीं होता कि हम जो है
है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं, और अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये सियासी माहौल जो है वो कब तक सरगर्म अमल रहेगा, ये जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मौलाना फजलुर रहमान की और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात भी हुई है। अब ये मौलाना फजलुर रहमान की और चौधरी शुजात साहब की जो मुलाकात है, इसके अंदर की कहानी भी ज़रा बताते हैं। इस पर जो है वो अपोजिशन का सामने जो है वो ख्यालात भी आते हैं। इस पर चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो वाजे कहते हैं कि ये तो कराई गई मुलाकात है और इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। अब चौधरी शुजात साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्यों मिले, किस लिए मिले, और वो मिलकर जो है वो क्या बात करना चाहते हैं? क्योंकि एक ज़ाहिर है कि इत्तेहादी जमात होती है, एक इत्तेहाद होता है किसी के भी साथ, या तो आप किसी के साथ चलें या ना चलें, फैसला आपने आपकी ज़ात ने करना होता है। लेकिन जब कोई किसी के साथ चल पड़े तो फिर पूरी ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। हमारे यहाँ सियासी रुख बदलते रहते हैं, सियासत के फैसले जो है वो पैसों पर हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो पैसों की अमाउंट पर जो है वो हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हम पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, हमसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। और जब हमसे कोई सवाल करता है तो हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, उसकी ज़ुबान खींच लेते हैं, या उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसको टेलीविज़न स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है जो सच बोलता है। और ये आज से नहीं, कब से होता आ रहा है। तो ये सिलसिले अगर यूं ही चलते रहेंगे तो मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाएगी आप बेहतर जानते हैं, और ये आगे जाकर जो है वो क्या होगा। अगर बिजली का यूनिट 40 रुपए कर देने से मुल्क तरक्की करेगा तो कर देना चाहिए, फिर तो ये ज़रूरी है। और अगर जो है वो पेट्रोल की कीमत 300 से अबव हो जाएगी और मुल्क तरक्की कर लेगा तो फिर तो हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आवाम की किस्मत ऐसी की ऐसी ही रहेगी 300 रुपये अदा करके भी और 400 जो है वो बिजली का यूनिट अदा करके भी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, तो फिर गलत आप हैं, गलत मैं हूं, गलत अवाम है। क्योंकि हम जो है वो हर उस बात पे भरोसा करके बैठ जाते हैं जिस जो सिर्फ हमें जो है वो दिखाई जाती है, बताई जाती है। अंदर की कहानी क्या है ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं, ज़राए के मुताबिक भी और साथ जो हमारी अपनी सांसिस के मुताबिक बात होती है वो हम करते रहते हैं ताकि सियासी सूरत हाल से आप आगाह रहें। ये मुलाकातें जो होती हैं ये अपने मामला तय करने के लिए होती हैं, अपने फ़ायदे के लिए, मुफाद की बात होती है। पाकिस्तान के अगर मुफाद की कोई बात करता या पाकिस्तान के मुफाद को जो है वो सोचा जाता तो शायद फिर इस तरह से अवाम पर ये पेट्रोल बम ना गिराया जाता। जब अवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चीज़ें हैं जिन्होंने अपने टैक्स में जो है वो हायर इजाफा कर दिया हुआ है। अब आप कोई भी चीज़ जो है वो लेने जाएंगे 1000 रुपये से ऊपर का तो आपने टैक्स अदा करना है। आप जो है वो खाना खाने के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो बिल में जो है वो 1000 रुपये से ऊपर का टैक्स लगा हुआ आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? लेकिन अवाम खाना खा रही है, अवाम ब्रांड्स पहन रही है, अवाम पेट्रोल का बम बर्दाश्त कर रही है। आपको लाइनें नजर आएंगी पेट्रोल पंप पे, तो इसका मतलब है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हमें किसी को भी जो है वो लानतान करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी के मामलात में भी जो है वो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछले वजीर ख़जाना जो है वो ख़जाने खाली कर गए। क्योंकि हर हुकूमत ने आकर अपने तरीके से पाकिस्तान को चलाना होता है, और अपने तरीके से चलाते चलाते आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि ना सियासी मामलात सेटल्ड होते हैं, ना इनके आपस के रोले ख़त्म होते हैं, ना ही मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होता है, ना मुल्क में बिजली होती है, ना मुल्क में गैस होती है, ना मुल्क में पेट्रोल होता है, और जो होता है वो फिर इतने महंगे दामों होता है कि जो आप भी भुगतते हैं और हम जैसे लोग भी भुगतते हैं और भुगत रहे हैं। सूरत हाल अगर आगे यही रही तो सियासी सूरत हाल जो है वो आगे इलेक्शन की तरफ मामला जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ज़राए के मुताबिक जो है वो खबर यही है और कहते भी यही नजर आ रहे हैं कि इस वक्त में करंट हुकूमत जो है वो कुछ अरसे की मेहमान है और बजट के बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब ये बात किस हद तक जो है वो सच है, ये एनालिस्ट के हवाले से भी और ज़राए के हवाले से भी जो हम आपको बताते हैं गाय ब गाय, चीज़ें इसी तरह हैं और इसी तरफ जा रही हैं। बजट भी जो है वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया बजट के हवाले से भी कि सूरत हाल क्या है, टैक्सेस मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। तो चलिए जी, आवाम पर जो है वो ये बम गिरते रहेंगे, सूरत हाल ये है, देखते हैं कि और बेहतरी लाती है ये हुकूमत और कब तक जो है वो इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाते और कब तक इसी सूरत हाल को हमें जो है वो यहाँ पर बैठकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपके सामने हाजिर होते हैं। कुछ जाहिर है कि महकमे भी हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जिनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमों में वज़ाबतगियाँ होती रहती हैं और कुछ अच्छे काम भी होते रहते हैं, तो अच्छे काम भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं और जहाँ कोई मामला ख़राब हो रहे होते हैं वो भी पॉइंट आउट करवाते हैं ताकि मामला ठीक हो सके। तो मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं।